फिल्म इंडस्ट्री के बाजीगर को तो हम सब जानते हैं, क्या आप जानते हैं अपने बाजीगर को? यानी हमारे अंदर भी एक ऐसा बाजीगर है जो टेबल को पलट देता है। ये टेबल को पलटना क्या है, किस तरह से हम अपनी जिंदगी को यकदम चेंज करते हैं, जिंदगी को चेंज करना कहां से आया, किस तरह से साइकोलॉजिस्ट बयान करते हैं बाजीगर को, वो बाजीगर लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे माइंड स्टेट को किस तरह से बयान करते हैं। ये माइंड स्टेट क्या है, किस तरह से हम अपने दिलो दिमाग के तालों को तोड़ें, कौन से तालों को तोड़ें, किस तरह से हम अपनी जिंदगानी में अपने मंजर को बयान करते हैं, कौन सा मंजर। आज का सेशन गेम चेंजिंग होने वाला है। आज का सेशन और आज का टॉपिक सबसे यूनिक है, उसकी वजह आप सबका प्यार, आप सबकी सपोर्ट। हेलो, वेलकम बैक टू करें हिम्मत शो। हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। 3 स्टेप से अपने बाजीगर को पहचाने। बाजीगर क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। नंबर 1 स्टेप, बाजीगर के हमारा पूरी तरह से अपने वजूद, अपनी जीत, अपनी हार को डिफाइन करना। अब मैं नई स्टडी के मुताबिक आपके साथ शेयर करूं तो 15,000 से ज्यादा स्टडीज हुई, उसके बाद ये रिजल्ट सामने आया कि आखिर बाजीगर और इसकी जीत हार क्या है। जीत हार को डिफाइन करें तो हमारा माइंड किस तरह से एक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ बाजीगर। तो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक नंबर 2 स्टेप, हमारा माइंड एक्ट करता है रिवार्ड की बेस पे। एकदम से बड़ा स्टेप शेयर कर दिया, इसको थोड़ा सा पार्ट्स में करूं, छोटे छोटे स्टेप्स में करूं तो हमारा दिमाग किस तरह से अमल में आता है। यानी हम अपने दिमाग को तोहफे पे रखते हैं तो हमारा दिमाग एक्ट करता है। हम अपने दिमाग को डिजायर ड्रीम देते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो सजेशन की तरह काम करता है। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे यकीन है कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम बाजीगर माइंडसेट को जाने। नंबर 3 स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू द पॉइंट बात करना तो हमारे चैनल की बुनियाद है, बात को खींचना लंबा करना हमारे चैनल की बुनियाद नहीं है। नंबर 3 स्टेप ये है कि बाजीगर यानी कि हम सबके अंदर बाजीगर मौजूद है। मिस्टर शाहरुख खान ने सबसे पहले बाजीगर को इंट्रोड्यूस किया फिल्म इंडस्ट्री में। बाजीगर करैक्टर का आगाज और इख्तिताम वहीं से हुआ, उसके बाद घर घर बाजीगर आया और हर किसी ने बाजीगर के एक्ट को पसंद किया। और बाजीगर के एक्ट को पसंद करने के साथ साथ जो बाजीगर मूवी में जो बाजीगर मैसेज है वो क्या है, बाजीगर मैसेज यही है कि हमारा अपनी जीत और अपनी हार दोनों में खुश रहना। यानी जैसे ही हम अपनी जीत और अपनी हार को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से, जिस तरह मिस्टर शाहरुख खान ने डिफाइन किया कि हमारी जीत और हमारी हार हमारी जिंदगी का एंड नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का आगाज है, हमारी जीत भी और हमारी हार भी। मुझे यकीन है कि आज के सेशन में, इस लम्हे में आप बाजीगर के साथ मुलाकात कर रहे होंगे, यानी अपने बाजीगर में अपने बाजीगर को और अपने बाजीगर से आपकी मुलाकात हुई होगी। अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी।